Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, assalamu alaikum. Today we have to start lecture number 18. It is about addition of expression. Lecture number 18 is about addition of expressions. इसका introduction है addition of expressions. Example इसकी देखें जरा. पहली expression है 3x plus y minus 6z. पहली expression क्या है? The first expression is 3x plus y minus 6z. And the second one is x minus 7y minus 2z. इसके दो method हैं. एक horizontal method है, एक vertical method है. Horizontal method जो आप अभी तक करते आए हैं पीछे, इसमें देखें brackets में पहली expression को लिखें और addition करना है. इसका प्लस दरमियान में लिख के दूसरी एक्सप्रेशन लिखे और दूसरी एक्सप्रेशन को भी ब्रैकेट के अंदर लिखे. ठीक है, जैसे 3x plus y minus 6z, इसको ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखें, फिर दरमियान में प्लस का साइन डालें और फिर दूसरी एक्सप्रेशन लिखें x minus 7y minus 2z, इसको भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखें. अब आपने इसको ओपन करना है. ओपन करने के लिए प्लस का साइन है. प्लस के साइन पहली ब्रैकेट तो इसी तरह खत्म हो जाएगी, एज इट इज आ जाएगी एक्सप्रेशन 3x plus y minus 6z. दूसरी एक्सप्रेशन जब ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, और शुरू वाली टर्म के साथ तो है ही प्लस, इसलिए ये प्लस रहेगा. प्लस x minus 7y minus 2z. अब आपने क्या करना है, 3x इसके साथ x की टर्म लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है. 3x के साथ x की टर्म लिखें प्लस y, इसके साथ लाइक टर्म्स दूसरी कौन सी है, माइनस 2y, माइनस 7y सॉरी, फिर माइनस 6z और फिर माइनस 2z. अब यहां से देखें 3x और प्लस x दोनों प्लस होने हैं. 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x. यहां से देखें 7 बड़ा है और x y y का कोफिशिएंट छोटा है. माइनस 7 में से प्लस 1 निकालें तो कितना आ जाएगा, माइनस 6y आंसर. इसी तरह लास्ट वाली को देखें माइनस 6z माइनस 2z, दोनों माइनस के साथ है, मिलाकर कितने हो जाएंगे, माइनस 8z. अगर आप वर्टिकल मेथड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है. वर्टिकल मेथड में आपने 3x plus y minus 6z पहली एक्सप्रेशन इसी तरह लिखें, दूसरी को नीचे उसके लिखें x minus 7y minus 2z. दूसरी एक्सप्रेशन में पहला जो टर्म है उसके साथ कोई साइन नहीं है, आपने प्लस का साइन लगाना है. अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन लगाना है. यहां से देखें x का कोफिशिएंट क्या है, 3, और इधर नीचे वाली में x का कोफिशिएंट क्या पड़ा जाएगा, 1. 1 और 3 मिला के कितना आ जाएगा, 4x. इसी तरह दूसरी में देखें माइनस 7y और प्लस y, 7 में से 1 निकालें कितना आ जाएगा, 6. क्यों, दोनों टर्मों का साइन डिफरेंट है, तो जो टर्म जिसका साइन बड़ा है, जो टर्म बड़ी है उसका साइन आपने लेना है माइनस और ये प्लस. 7 में से 1 निकालें माइनस 6y. तीसरी में आ जाए, दोनों साइन सेम है दोनों टर्म्स के, तो माइनस है और माइनस को कॉमन ले लें. 6 और 2 मिलाएं तो कितना आ जाएगा, 8z. 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8z. एडिशन डज ग्रुप द लाइक सिंप्लीफाई यूजिंग. इसका मतलब ये है कि जो एडिशन है लाइक टर्म्स का, उसमें आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठे करके उनका एडिशन करना है. इसी तरह एग्जांपल 2 देख लें, एड, इसमें तीन टर्म हैं, तीन एक्सप्रेशंस हैं. पहली एक्सप्रेशन है माइनस 3a प्लस 6b माइनस 5. इसका हॉरिजेंटल मेथड देखें, ये पहले आपने लिखना है पहली ब्रैकेट में माइनस 3a प्लस 6b माइनस 5, फिर प्लस का साइन डालें. दूसरी एक्सप्रेशन a प्लस b प्लस 3, इसको ब्रैकेट में लिखें प्लस के साथ, फिर तीसरी एक्सप्रेशन प्लस लिखें और ब्रैकेट में लिखें 9a माइनस 2b माइनस 7. इसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है, पहले वाली का ब्रैकेट
पहले वाले की ब्रैकेट इसी तरह खुल जाएगी। या यहां से लाइक टर्म्स इकट्ठी करें, माइनस थ्री ए और इधर से प्लस ए और आखिरी वाली में से ये प्लस नाइन ए। फिर बी पे आ जाएं, प्लस सिक्स बी प्लस बी और ये प्लस और माइनस माइनस टू बी। फिर इसी तरह तीसरी पे आ जाएं, माइनस फाइव ये देखें इधर लिखा, फिर प्लस प्लस ये प्लस थ्री, उसके बाद प्लस को माइनस से करें माइनस सेवन। अब सारों को मिलाएं, ये नाइन प्लस के साथ है, इसमें वन ऐड करें, टेन ए, टेन में से थ्री निकालें कितना बच जाएगा सेवन ए। आगे बी वाली को देखें, प्लस सिक्स बी और प्लस बी सेवन बी, सेवन में से टू निकालें कितना बचेगा प्लस फाइव बी। ठीक है, आप कांस्टेंट टर्म्स पे आ जाएं, ये सेवन माइनस के साथ है, फाइव भी माइनस के साथ है, सेवन और फाइव कितना हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से थ्री निकालें, थ्री प्लस के साथ है तो ट्वेल्व में से थ्री निकालें कितना आ जाएगा आंसर माइनस नाइन। ठीक है बेटा, ये देखें एक दफ़ा फिर, नाइन और वन टेन, टेन में से थ्री निकालें सेवन ए, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन में से टू निकालें कितना बचेगा फाइव, और इधर सेवन और फाइव ट्वेल्व, ट्वेल्व में से प्लस थ्री निकालें माइनस नाइन। दूसरा मेथड है वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में पहली एक्सप्रेशन सबसे ऊपर, उसके नीचे लाइक टर्म्स लिखें, ए के नीचे ए वाली, बी के नीचे बी वाली, थ्री और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म के नीचे थ्री। तीसरी टर्म लिखें प्लस नाइन ए माइनस टू बी माइनस सेवन। ये तीनों एक्सप्रेशन ऊपर नीचे आ गई, ए वाली आपस में कंबाइन की, बी वाली आपस में और कांस्टेंट टर्म सारी आपस में कंबाइन की। अब यहाँ से देखें आसानी के साथ, ये नाइन है ये वन, नाइन और वन कितना हो गया टेन, टेन में से ये माइनस थ्री निकालें कितना बच जाएगा आपके पास सेवन ए। फिर ये देखें ये सिक्स और ये वन कितना हो गया सेवन, सेवन में से टू निकालें कितना बचेगा फाइव बी, सिक्स और वन सेवन, सेवन में से टू निकालें कितना बचेगा फाइव बी। अब सेवन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में माइनस सेवन और इधर माइनस फाइव है, फाइव और सेवन को मिलाएं कितना बनता है ट्वेल्व, क्यों दोनों नेगेटिव टर्म है। अब ये पॉजिटिव टर्म इसमें से निकालेंगे, ट्वेल्व में से प्लस थ्री निकालें, आंसर क्या आएगा माइनस नाइन, द आंसर विल बी माइनस नाइन। अब एक्सरसाइज पे आ जाए, इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर थ्री का ए पार्ट और बी पार्ट करना है, ये दोनों हॉरिजेंटल मेथड से करने हैं, ये दोनों किस मेथड से करने हैं हॉरिजेंटल मेथड से। आप चाहें तो वर्टिकल मेथड से भी करके मुझे सेंड कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री का ए पार्ट करना है और बी पार्ट करना है, दोनों में एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, आपने दोनों एक्सप्रेशंस को हॉरिजेंटल मेथड से ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सम ऑफ 5a प्लस 6b प्लस 9c एंड 3a माइनस 3b माइनस 5c। यहां पर आ जाएं देखें क्वेश्चन को, फाइंड द सम ऑफ ए पार्ट 5a प्लस 6b प्लस 9c एंड 3a माइनस 3b माइनस 5c। दोनों के दरमियान में साइन आपने कौन सा डालना है प्लस का, और दोनों ब्रैकेट में लिखनी है। ब्रैकेट में लिखने के बाद पहली एक्सप्रेशन तो एज इट इज आ जाएगी, जैसा कि 5a प्लस 6b प्लस 9c। दूसरी एक्सप्रेशन भी एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि आपने दरमियान में साइन कौन सा डाला है प्लस का, तो प्लस साइन से कोई भी साइन मल्टीप्लाई करें वो साइन वही रहेगा। ये अगर माइनस है तो माइनस थ्री भी रहेगा, माइनस फाइव सी है तो माइनस फाइव सी रहेगा। अब आप देखें यहाँ पर 5a प्लस 6b प्लस 9c प्लस 3a माइनस 3b माइनस 5c, ये छह टर्म्स आपके पास आ गई हैं। अब लाइक टर्म्स को आपने कंबाइन करना है, 5a प्लस 3a बोथ लाइक टर्म्स आर कंबाइंड नाउ, प्लस 6b माइनस 3b प्लस 6b माइनस 3b। अब
नाइन सी माइनस फाइव सी प्लस नाइन सी माइनस फाइव सी। अब ये देखें 5a और 3a दोनों प्लस के साथ हैं, 5 और 3 को मिलाएं तो क्या आएगा 8a। इसी तरह प्लस 6b में से माइनस 3b निकालें, 6 में से 3 निकालें प्लस 3b आंसर आ गया। फिर उसके बाद आगे देखें ये प्लस 9c और माइनस 5c है, यहां पर क्या है प्लस 9c माइनस 5c, 9 में से 5 निकालें कितना बचेगा प्लस 4c। ठीक है, अब आ जाएं आप बी पार्ट पे, बी पार्ट देखें आप यहां पर 12x माइनस 8y प्लस 2z, 12x माइनस 8y प्लस 2z, और दूसरी टर्म इसकी देखें 24x प्लस 6y प्लस 9z। ठीक है, अब आपने इन दोनों को मिलाना है, यहां से देखें ब्रैकेट मैंने डाली है, ये दरमियान सबसे छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 12x माइनस 8y प्लस 2z, ये पहली एक्सप्रेशन लिख दी, प्लस बीच में प्लस का साइन डाल दिया, सम करना है। दूसरी टर्म देखें 24x प्लस 6y प्लस 9z, दूसरी टर्म चूंकि सारी पॉजिटिव है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर सारी प्लस हो जाएगी, पहली टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब पहली टर्म में देखें पहली एक्सप्रेशन में 12x और 24x, 12x और 24x ये दोनों लाइक टर्म से इकट्ठी करें, उसके बाद माइनस 8y और प्लस 6y मिला दें, फिर उसके बाद 2z और 9z ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों मिला दें। यहाँ से देखें 12 और 24 दोनों को मिलाएं कितना आता है आंसर, ये 36x माइनस 8, 8 बड़ा है 6 छोटा है, तो 8 में से 6 को निकालें माइनस 2, आंसर इसका क्या आएगा माइनस 2y। उसके बाद आगे चलें 2z प्लस 9z, 9 और 2 कितना आ जाएगा 11, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11z। ठीक है बेटा, अब आप वापस चलें, एक दफा फिर मैं आपको यहां से एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन बताता हूं, ये इंट्रोडक्शन है, इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल इसकी देखें हॉरिजॉन्टल मेथड भी है और वर्टिकल मेथड भी है इसका, इसी तरह दूसरी एग्जांपल में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड है, बहुत आसान है दोनों। 3x plus y minus z, इसको पहली ब्रैकेट में लिखें, ठीक है, फिर प्लस का साइन डालें दरमियान में, क्यों आपने एडिशन करना है, यहाँ लिखा एडिशन। दूसरी ब्रैकेट में लिखें आप x minus 7y minus 2z, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब पहला स्टेप आपने क्या करना है, पहले स्टेप में पहले की ब्रैकेट खत्म करें, 3x plus y minus 6z, दूसरे की ब्रैकेट खत्म करें, प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 7y माइनस 2z, क्या आ जाएगा ये x माइनस 7y माइनस 2z। लाइक टर्म्स इकट्ठी करें आप, कंबाइन द लाइक टर्म्स, आओ 3x और प्लस x ये दोनों मिला दिए आपस में, उसके बाद प्लस y माइनस 7y, माइनस 7y में से y निकाले माइनस 6y आ जाएगा आंसर। ठीक है, और इधर से 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x। उसके बाद लास्ट देखें माइनस 6z के साथ माइनस 2z कंबाइन कर दिया, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 8z, फाइनल आंसर विल बी 4x माइनस 6y माइनस 8z। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसको, इस लेक्चर को तीन चार दफा आपको स्टडी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इसको करने के काबिल हो जाएंगे। ये बुक से आपने, ये एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन बुक से आपने आर्टिकल अच्छी तरह पढ़ना है, इसको सॉल्व करके फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वर्टिकल मेथड देखें 3x प्लस वाई माइनस 6z, पहली टर्म इसी तरह लिख दी, दूसरी टर्म उसके नीचे लिखे x माइनस 7y माइनस 2z, 3x और x
फोर एक्स माइनस सेवन वाई प्लस वाई माइनस सिक्स वाई माइनस सिक्स जेड और माइनस टू जेड मिला के कितना हो जाएगा माइनस एट जेड। एग्जाम्पल टू पे आ जाए, एड इसमें तीन एक्सप्रेशन है, वन टू थ्री, तीनों को आपने हॉरिजेंटल मेथड से पहले सॉल्व करना है। पहले वाली को पूरी ब्रैकेट के अंदर लिखें, फिर दरमियान में साइन प्लस का, फिर दूसरी वाली को ब्रैकेट के अंदर लिखें दरमियान में साइन प्लस का, फिर तीसरी वाली को ब्रैकेट के अंदर लिखें उसके दरमियान में साइन प्लस का। अब आप देखें पहले वाली की ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस थ्री ए प्लस ए माइनस थ्री ए और प्लस ए और प्लस नाइन ए, इसमें उसने एक स्टेप छोड़ दिया है, माइनस थ्री ए प्लस ए प्लस नाइन ए माइनस थ्री ए प्लस ए प्लस नाइन ए, ए वाली टर्म्स उसने इकट्ठी कर ली सारी। इसी तरह बी वाली टर्म्स इकट्ठी करें, प्लस सिक्स बी प्लस बी और माइनस टू बी, प्लस सिक्स बी प्लस बी माइनस टू बी। उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म्स इकट्ठी करें, माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस सेवन माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस सेवन। अब इनको मिला दें, नाइन और वन टेन, टेन में से थ्री निकालें कितना आ जाएगा सेवन ए। इस तरह बी वाले को देखें, सिक्स और वन सेवन, इसका कोफिशियंट वन है इसका कोफिशियंट सिक्स है, सिक्स और वन सेवन दोनों प्लस के साथ हैं, माइनस टू करें माइनस टू बी फाइव बी आंसर आ जाएगा। तीसरे वाले को देखें कॉन्स्टेंट टर्म्स को, माइनस सेवन माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व, ट्वेल्व में से थ्री निकालें माइनस नाइन। अब वर्टिकल मेथड देखें, वर्टिकल मेथड में तीनों को ऊपर नीचे लिखें आप और ऐड करें। वर्टिकल मेथड में देखें पहला वाला माइनस थ्री ए फिर ए फिर नाइन ए, नाइन और वन टेन, टेन में से थ्री निकालें सेवन ए, सिक्स और वन सेवन, सेवन में से टू निकालें फाइव। इसी तरह फाइव माइनस के साथ और सेवन भी माइनस के साथ, फाइव और सेवन कितना हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से थ्री निकालें आंसर क्या आ जाएगा माइनस नाइन। अब आप आ जाएं फिर दोबारा क्वेश्चंस पर, एक दफा फिर आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर थ्री का ए और बी पार्ट इस लेक्चर में आपने करना है, ये एक्सरसाइज आपकी एट सी है, इसका क्वेश्चन नंबर थ्री का ए पार्ट और बी पार्ट आपने करना है। ए पार्ट में है फाइव ए प्लस सिक्स बी प्लस नाइन सी एंड थ्री ए माइनस थ्री बी माइनस फाइव सी। यहाँ से देखें 5a प्लस सिक्स बी प्लस नाइन सी, थ्री ए माइनस थ्री बी माइनस फाइव सी, दोनों को आपने लहदा लहदा ब्रैकेट में लिखना है और दरमियान में साइन कौन सा डालना है आपने प्लस का। अब पहली ब्रैकेट इसी तरह ओपन कर दें, दूसरी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसके साइन इसी तरह रहेंगे, कोई साइन में चेंज नहीं आएगी। लाइक टर्म्स इकट्ठी कर दें आप 5a और 3a को, इसी तरह 6b माइनस 3b फिर इसी तरह प्लस नाइन सी और माइनस फाइव सी, ठीक है। फाइव और थ्री एट ए, और यहाँ से देखें सिक्स बी माइनस थ्री बी कितना आ जाएगा प्लस थ्री बी। इसी तरह नाइन सी माइनस फाइव सी, नाइन में से फाइव निकालें कितना आ जाएगा फोर सी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, एट ए प्लस थ्री बी प्लस फोर सी, 8a प्लस 3b और प्लस 4c। b पार्ट पे आ जाए, b पार्ट को देखें, b पार्ट में यहां क्वेश्चन से देखें 12x माइनस 8y प्लस 2z, 12x माइनस 8y प्लस 2z, दूसरी टर्म है इसकी 24x प्लस 6y प्लस 9z, दोनों को आपने इस तरह पहली को पहली ब्रैकेट में डालें और दरमियान में साइन प्लस का, दूसरी को दूसरी ब्रैकेट में डालें स्मॉल ब्रैकेट में और दरमियान में साइन कौन सा है प्लस का। देखें यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन कर दें आप, ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, पहली ब्रैकेट ओपन करें तो एज इट इज आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस का साइन है और उसके अंदर भी सारे प्लस के साइन है, एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा, 12x और 24x दोनों लाइक टर्म्स है इकट्ठी कर दें, फिर माइनस एट वाई प्लस सिक्स वाई दोनों लाइक टर्म्स हैं आप मिला दें, फिर
टू जेड और प्लस 9z है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, आप मिला दें। यहाँ से देखें 24 और 12 दोनों प्लस के साथ है, मिलाएं तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 36x। फिर आगे देखें -8y + 6y, 8 में से 6 -2y। फिर 9z और 2z दोनों प्लस के साथ है, 9 और 2 को मिलाएं, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11z, 9 + 2 = 11z। तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपने अब क्या करना है कि ये दोनों क्वेश्चन और इसके साथ ये जो एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी आप कोशिश करें कॉपी पे हल करें इसको, और इसका एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 3, इसका कौन कौन सा पार्ट आपने करना है, 3 का ए और बी पार्ट आपने नोटबुक्स पे ये हल करके मुझे सेंड करना है। ये बहुत आसान है, ए और बी पार्ट, ठीक है। और आपका अब लेक्चर दी एंड हो गया।